स्पाइनल ट्यूमर्स में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? स्पाइनल ट्यूमर अगर कॉर्ड के आसपास के एरिया के है तो वो कम्प्लीटली न्यूरोसर्जन का डोमेन होता है और उसमें माइक्रोस्कोपिक सर्जरी से ही ट्यूमर्स निकाले जाते हैं। अगर वो ड्यूरा के मतलब स्पाइनल कॉर्ड के कवरिंग के बाहर है तो वो इजिली रिसेक्ट आउट हो जाते हैं, ड्यूरा के अंदर है और कॉर्ड के बाहर है तो भी इजिली रिसेक्ट आउट हो जाते हैं और उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है तो उसमें माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा न्यूरो मॉनिटरिंग लगता है कि हम कौन सी नर्व को डैमेज कर सकते हैं, वो हमें ड्यूरिंग सर्जरी ही पता चलता है। सो अंडर न्यूरो मॉनिटरिंग गाइडेंस हम स्पाइनल ट्यूमर्स, इंट्रामेडुलर ट्यूमर्स को भी रिसेक्ट कर सकते हैं। बोनी ट्यूमर्स के लिए डेफिनेटली सभी स्पाइन बोनी ट्यूमर्स एक न्यूरोसर्जन बहुत ही इजिली ऑपरेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। एंड अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत बार देखा गया है कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी हेल्प करती है आफ्टर सर्जिकल रिसेक्शन।